दोस्तों नमस्कार, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको चेरी वृक्ष का पौधा दिखा रहा हूँ। अभी पके तो नहीं हैं, कच्चे कच्चे हैं। पकने के बाद जो है लाल हो जाएंगे। यह बहुत ही पौष्टिक आहार है। यह भी जड़ी बूटी का हिस्सा है। देखिए अभी ये पका नहीं है, कच्चा है। अभी कुछ दिनों में ये पककर लाल लाल हो जाएंगे। इसे चेरी कहते हैं। यह बहुत ही पौष्टिक आहार है। खाने में मीठा खट्टा भी होता है। ये देखिए पहचान लीजिए, यह पत्ता है चेरी का। तो दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार यह आँखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। और चेरी अगर रोज़ प्रतिदिन खाया जाए 10-15 चेरी, तो पेटों के अंदर कब्ज नहीं रहता है, पेट की समस्त बीमारियों को ये नष्ट करता है। फायदा जितना भी बताया जाए कम लगता है, क्योंकि ईश्वर ने हमें दुनिया में इतने सारे जड़ी बूटी वृक्ष पेड़ पौधे प्रदान किए हैं कि हमारे बीमारी कम पड़ जाएंगे, लेकिन दवाएं जो है वो कम नहीं पड़ सकते हैं। तो इसे भी दवा के रूप में ही जाना जाता है। यूँ तो फल और फल के रूप में भी लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये बहुत बड़ा वृक्ष है, मैं वृक्ष के ऊपर से वीडियो बना रहा हूँ। और फूल मैं आपको दिखाता हूँ, फूल सफ़ेद है। ये देखिए ये वृक्ष काफ़ी बड़ा है। ये देखिए ये वृक्ष का जड़ नीचे है और मैं इतना ऊपर बैठकर वीडियो बना रहा हूँ। तो पहचान लीजिए दोस्तों, यह शुगर के पेशेंट के लिए भी फायदेमंद है। अगर किसी को शुगर है तो पका हुआ चेरी खाए तो उसका जो पेन क्रिया की गड़बड़ी है वो धीरे धीरे सुधर जाएगा। तो शुगर में भी काफ़ी मददगार है। और मैंने सुना है ये भी कि अगर चेरी प्रतिदिन खाया जाए तो शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोग क्षमता है वो बढ़ता है, जिससे कैंसर बीमारी भी धीरे धीरे नष्ट हो सकता है। तो दोस्तों पहचान लीजिए, ये चेरी का वृक्ष है। अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहाड़ी आयुर्वेदिक।